डोज अगर जरा सी भी ज्यादा होती ना, किडनी ब्लास्ट हो सकती थी। सही में पता नहीं क्यों कैसे, लेकिन मेरे ब्लड रिपोर्ट में निकला क्या ये मुझे भी तो बताइए यार। साणुखे अभिजीत को कुछ दिया गया था ना, तो बताना क्या है वो? डाइयूरेटिक दिया गया था, वो भी बहुत ज्यादा हैवी डोज। डाइयूरेटिक? बस डाइयूरेटिक तो ब्लड प्रेशर कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, शरीर में से पानी और दूध से फ्लूइड्स को फ्लश आउट करने के लिए, ताकि बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाए। और अगर इसका हैवी डोज दिया जाए तो ब्लैडर पे इतना प्रेशर बढ़ जाता है ना कि इमीडिएटली फ्लूइड रिलीज करने की फीलिंग होती है, जैसा कि तुमको हो रही थी। तभी कंट्रोल नहीं हो रहा था। लेकिन अमित को कैसे पता चला कि आपको उसी टाइम पे वॉशरूम जाना है? अंदाजा, अमित ने अंदाजा लगाया हुआ। जिस मात्रा में इसे ये डोज दी गई है, 15 से 20 मिनट सिर्फ, ज्यादा से ज्यादा, बस उसके बाद कंट्रोल करना इम्पॉसिबल है। आदमी वॉशरूम जाएगा ही जाएगा। हाँ, अमित जानता था कि कब डायूरेटिक दिया है तुम्हें, और इसीलिए वो इंतजार करते बैठा था वॉशरूम में। हाँ, लेकिन वो डायूरेटिक मेरे बॉडी में गया कैसे होगा, कब? अभिजीत, वॉशरूम जाने से पहले तुमने कुछ पिया था, कुछ खाया था? मैंने वो एक चाय पी थी। और एक समोसा। सर, ये किंचुक है जो रेलवे कैंटीन में 3 साल से काम कर रहा है, और ये हेमंत 4 साल से। जब हम उस चोर का पीछा कर रहे थे तब पैंट्री में ये किंचुक गिरा पड़ा था। हो सकता है वो किंचुक ही है। पहले उसने लाइट ऑफ की, चेन खींच के ट्रेन रोकी, अंधेरे में अमित को गोली मारी, जानबूझ के पेंट्री में सामान गिराया और हमसे हमसे बोला कि खूनी उस तरफ से भागा है। और तो और अभिजीत, तुम्हारे चाय और समोसे में इसी किंचु ने डायूरेटिक भी मिलाया था। लेकिन सर, हमने ट्रेन के बाहर देखा तो था किसी को भागते हुए। अगर अमित को गोली मार के किंचुक वहां पेंट्री में बैठा था, तो फिर जो आदमी बाइक पर भागा वो कौन था? चोर। चोर? पर चोर तो अमित है ना, जो मर गया। नहीं दया, मुझे अच्छे से याद है, अमित ने मुझे लूटने की कोशिश की ही नहीं थी। क्या? हाँ सर, वो तो मुझे सिर्फ ट्रेन से धक्का देने की कोशिश कर रहा था। लेकिन क्यों सर, धक्का तो उसे चोरी करने के बाद मारना चाहिए था ना, बिना हीरा चोरा आपको धक्का क्यों मारा? क्योंकि पंकज, चोरी ट्रेन के अंदर नहीं, ट्रेन के बाहर होने वाली थी। यस सर, आई एम श्योर पिछले तीनों केसेस में यही हुआ होगा। अंगड़ियों को ट्रेन से बाहर धकेल दिया गया, जहां कोई उनका इंतजार कर रहा था, और उसके बाद हीरे लूटे गए, उनके मरने के बाद या फिर मारने के बाद। उन तीनों अंगड़ियों की बॉडी कौन से एरिया में मिली, जरा चेक करते हैं। ओ, मैप लेके आना। सर, ये ट्रेन का रूट है और सारे अटैक्स इसी एरिया में हुए थे। लगभग 2 किलोमीटर के एरिया में से आ गया। और अमित जिसके लिए काम कर रहा था, वो आदमी 2 किलोमीटर में अंगड़िया के गिरने का इंतजार कर रहा था। सर, जहां मनीष की लाश मिली वहां 2 विटनेसेस भी थे। सर, उन्होंने मनीष को ट्रेन से गिरते हुए भी देखा था, शायद उन्होंने चोर को भी देखा। सर, विश्वास का फोन उसी रात से बंद है, इन दोनों को जिस दिन मनीष की बॉडी मिली थी उसके 3 घंटे बाद से। इसका मतलब ये सब विष्णु ने किया है सर, पर ऐसे कैसे हो सकता है? इट्स नॉट पॉसिबल। तुम कब से जानते हो विश्वास को, क्या रिश्ता क्या है तुम्हारा? सर, मेरी और विष्णु की शादी होने वाली थी, लेकिन 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 क्या सर,
लेकिन कुछ दिनों से विशु बहुत अजीब सा बिहेव कर रहा था। मैं उससे पूछ रही थी कि ऐसा क्यों कर रहे हो, तो उसने बोला कि उसके पास टाइम नहीं है, काम बहुत ज्यादा है। सब मुझे पता था वो झूठ बोल रहा है, इसीलिए मैंने उस रात उसका पीछा किया। और तुमने उसे रेलवे ट्रैक के पास खड़ा देखा? जी सर, मुझे लगा कि वो किसी लड़की से मिलने आया है, पर उसने कहा कि वो किसी लड़की से मिलने नहीं, हमारे फ्यूचर की प्लानिंग करने आया है। और उसी टाइम ट्रेन से वो बॉडी गिर गई। फिर क्या किया तुम लोगों ने? सब विश्व ने मुझे पुलिस को फोन लगाने के लिए कहा, तो मेरे फोन में नेटवर्क नहीं था, इसीलिए मैं पुलिस को बुलाने के चली गई। पर मैं वापस आई तो वो वहां था ही नहीं सर, पता नहीं कहां चला गया था। हमें पता है, वो पटरी पे खड़े रहने वाला चोर विश्वासी है सर। भाग गया तुम्हारा विशु, छुप गया कहीं जाकर, क्योंकि तुमने सब कुछ देख लिया था। इसलिए फ्रेडी, इस विशु के फोन का आखिरी लोकेशन क्या है पता लगा? यस सर। और राखी? जी सर। जा सकती हो तुम, लेकिन एक बात अच्छी तरह से याद रखना, अगर विश्वास ने तुम्हें कांटेक्ट किया या कांटेक्ट करने की कोशिश भी की तो हमें तुरंत बता देना, समझे? जी सर। जन गोरा। सर, हमें पैंट्री वाले किंशुक और हेमंत को इंट्रोगेट करना चाहिए। नहीं पूर्वी, अगर हेमंत और किंशुक को हमने पकड़ लिया तो विश्वास को पता चल जाएगा और विश्वास निकल जाएगा हमारे हाथ से। वैसे तो हमें पता चल ही गया है जो किस तरह से चोरी करते हैं, एक अंगड़ियों से इंफॉर्मेशन कैसे निकालते हैं। और ये किंशुक जो अंगड़ियों को डाइयूरेटिक का डोज देता है, और तीसरा चोरी ट्रेन के अंदर नहीं बाहर होती है। चाय 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 बोलो साहब, चाय गरम, चाय गरम, चाय चाय बोलो साहब, चाय गरम, चाय गरम, चाय चाय बोलो साहब, अदरक वाला चाय गरम, चाय चाय बोलो साहब, चाय 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 गरम, चाय चाय मैडम, चाय 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 गरम, चाय चाय मैडम, गर्मा गर्म चाय, चाय बोलो साहब। गरम है क्या? हाँ साहब, गरम चाय। कितनी की है? 10 रुपए। चाय 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 बोलो साहब, गरम चाय गरम चाय। अभी अभी किंगशिप मेरे आगे निकल गया है। चाय बोलो साहब, चाय 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 बोलो साहब, चाय चाय चाय। सब कुछ तो ना साहब, छुट्टा नहीं है। छुट्टा छुट्टा देती ना मैं, छुट्टा है मेरे पास। अरे जाओ ना बाबा। कितने में छुट्टा चाहिए? अरे चलो जाओ यहाँ से। दो ना साहब, काहे के लिए आते ट्रेन में, पैसा नहीं है तो। अरे सर पागल है क्या? चाय 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 गरम चाय, चाय 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 चाय। क्या चाय? पैसे बाद में। काम कर अपना, चल। चाय देना है? चाय ना देती ना बाद में, पैसा नहीं। चाय 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 सब सब सब, एक चाय दो ना सर, सब चलो निकल सब, एक चाय दो ना सर। अरे जा बोला तेरे को, चलो। चाय 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 सर, वो आ रहा है। ठीक है, तैयार रहना, आ रहा है। गरम चाय, गरम चाय मैडम, चाय। साहब चाय? हाँ।
कितने पैसे हुए? 10 रुपए। आइए साहब, चाय लेंगे? नहीं। अरे ले लो। ठीक है, दे दो। एक मिनट, पैसे खुले देना साहब, मेरे पास 100 का छोटा नहीं है। देखता हूँ, एक मिनट, आपके पास है? नहीं, मेरे पास तो सब 100 के नोट ही है। अच्छा, चाय देता हूँ। हाँ, हाँ। अच्छी चाय। चाय 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 मैडम, चाय। हाँ भाई, चाय 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 चाय, दिल खुश चाय, दिल खुश चाय। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.